रानिया रोड स्थित श्री बाबा ताराजी कुटिया के सत्संग भवन में सिरसा के विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा, श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के छोटे भाई महान कांडा, पुत्र मुरलीधर कांडा एडवोकेट के निमित्त आयोजित सभा में उन्हें श्रद्धांजलि देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। उनके जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रदर्शित किया गया, जिसकी प्रस्तुति मनु सुशीला की ओर से की गई। इस दौरान सभा में मौजूद हर व्यक्ति की आंख नम हो गई। देश भर से आए चौक संदेश पढ़ गए। कांडा बंधु अपने छोटे भाई महान कांडा को याद करते हुए कई बार भावुक हुए। उन्होंने आए हुए लोगों का आभार जताया। असम पगड़ी से पूरा ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया, जिसमें 151 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। सभी को दान दक्षिणा भेंट की गई। केंद्रीय मंत्री, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, सांसद, पूर्व सांसदों, विधायकों और देश भर की अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने शोक पत्र भेजकर शोक जताया। दिल्ली से आए भजन सम्राट सिद्धार्थ मोहन ने भजना के माध्यम से उपस्थित लोगों को बताया कि परमात्मा एक और व्यक्ति जीवन मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। उसके द्वारा किए गए सत्कर्म ही उसके होने की अनुभूति कराते रहते हैं। यह के विशाल सत्संग भवन में श्रद्धांजलि सभा एवं रसम पगड़ी का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली से आए भजन सम्राट सिद्धार्थ मोहन ने प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि सम सेवा सिमरण करियो, ओम नमः शिवाय, शिव है कैलाश के वासी, क्या हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं फल लगे आती, सी वाणी बोलिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पान सीताराम, पालन हारे दी, भजनों की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और सर्वशक्तिमान है। मनुष्य जीवन मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों की वजह से लोग उसे सदियों तक याद करते हैं। उन्होंने के भजन प्रस्तुत कर महान कांडा को प्रांजल दी। इस पूर्व श्री गरुड़ पुराण पाठ करते हुए कमल शर्मा ने कहा कि देवी कांडा के दिए संस्कारों को महान कांडा ने जीवन भर धारण किया। इस मौके पर महान कांडा के जीवन पर आधारित एक चित्र का चित्रकार किया। गोविंद कांडा के धर्म, अध्यात्म, और सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी महान कांडा अपना योगदान देते थे। बड़ी बहन श्यामा और कोकिला के लिए निक्का, तो भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के लिए निक्कू, घर के सभी बच्चों का प्यारा निक्कू चाचू। सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपने भाई भाभी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते और फिर रोजमर्रा के कार्य शुरू करते। दिलकश आवाज